हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एंड असाइनमेंट्स। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सैम। जो नए हैं इस चैनल पे काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम लोग और अच्छे वीडियोस और अच्छे ट्यूटोरियल वीडियोस बना सकें। इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी एंड असाइनमेंट्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सैम, as its name suggests, scanning electron microscope use electron as a source of illumination to scan the surface of the sample to generate an image. Scanning electron microscope और transmission electron microscope में एक major difference ये होता है कि scanning electron microscope में electron scan करता है sample के surface को. On the other hand, in transmission electron microscope, the electron passes through the sample to generate an image. If we see in the history, in 1897, J.J. Thomson first discovered electron. In 1926, Hans Busch demonstrated that charged particle can be bent in a magnetic field just as glass lenses bend visible light. जैसे कि हमें पता है कि light microscope में glass lenses हम लोग बहुत सारे use करते हैं, जो कि एक visible light को bend करता है towards the sample, और जिसके बाद हम लोग उसे देख पाते हैं under the microscope with the help of two lenses, that is ocular lens and the objective lens. इसी तरह scanning electron microscope बहुत सारे magnetic condenser use करता है, जो कि magnet को bend करता है in certain direction, so that वो magnet electron को ऐसे bend करता है कि वो electron जाके direct sample के ऊपर hit करे, so that the sample surface can be scanned. In 1931, Ernest Ruska builds the first TAM with resolution higher than a light microscope that was approximately 12,000x. 1935, Max Noll become the first researcher to scan a surface with an electron beam to obtain an image. Lacking lens, his system has a resolution of 100 micrometer. In 1938, Manfred von Erdeni first constructed the SAM microscope, the first image captured with a zinc oxide crystal at 8000 magnification. Manfred von Erdeni, जो कि first SAM microscope construct किए थे, और उन्होंने zinc oxide crystal को SAM electron microscope के अंदर देखा था, जिसका magnification was approximately 8000x. मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखेंगे उनका जो बिल्ड किया हुआ सैम माइक्रोस्कोप है वो दिखने में कैसा होता है। सो इन 1965 कैम्ब्रिज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मार्केटेड द फर्स्ट कमर्शियल सैम, जिसका नाम मार्केट नेम दिया गया था स्टेरियोस्कैन मार्क वन। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, मैनफ्रेड वॉन अर्डिनी, जिन्होंने ये फर्स्ट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किया था, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्होंने फर्स्ट स्कैन किया था एक जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को एट एन 8000x, एज आई मेंशन अर्लियर इन द स्लाइड। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सैम। इट इज एन माइक्रोस्कोप दैट प्रोड्यूस एन इमेज बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन बीम दैट स्कैन्स द स्पेसिमेन इनसाइड ए वैक्यूम चैम्बर। जैसे कि आप देख रहे हैं साइड में जो इमेज है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज है। वी यूजुअली कीप ए हाई वैक्यूम प्रेशर इनसाइड द चैम्बर। इट इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज ए हाईली रिएक्टिव, एंड अगर हम लोग उस चैम्बर के अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं करेंगे, इफ द चैम्बर कंटेन्स एनी मॉइस्चर और एनी एयर और एनी डस्ट पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रॉन विल डायरेक्टली रिएक्ट विद दैट डस्ट पार्टिकल, रिएक्ट विद दैट मॉइस्चर, and the image that ultimately will form will not be a good image. So इसी कारण से वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन मूव इजिली इनसाइड द ट्यूब एंड हिट द सैम्पल डायरेक्टली ऑन द स्पेसिफाइड एरिया। और एक रीज़न ये होता है कि इलेक्ट्रॉन हाईली अनस्टेबल होता है, सो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ते हैं, इफ देयर इज नो वैक्यूम इनसाइड द चैम्बर, the electron will directly hit the
वाल ऑफ द बॉडी ट्यूब। जो बॉडी ट्यूब होता है उसके वाल जो मेटेलिक मेटल से बना हुआ होता है उसमें जाके स्ट्रक करेगा, जिससे क्या होता है वहाँ का इमेज फॉर्म होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ना कि हमारे सैंपल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी कीप द चैम्बर इन ए हाई वैक्यूम स्टेट। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। As the name suggests, light electron microscope uses light as a source of illumination. On the other hand, transmission electron microscope and SEM electron microscope electron use karte hain as a source of illumination. Second difference is that in light microscope we use glass lenses so that the light can be bent and hit towards the sample. Different kinds of lens hum use karte hain jisse ki light ko hum log bend karke direct sample ke upar इल्यूमिनेट किया जा सके। ऑन द अदर हैंड इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इन सैम दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूजेस मैग्नेटिक फील्ड टू डिफ्लेक्ट और डिफ्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑन टू द स्पेसिमेन। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों में एक डिफरेंस ये मैं जरूर मेंशन करना चाहता हूँ कि in transmission electron microscope as you can see that the specimen is situated in the upper section, jo ki jab electron beam passes the electron beam in the transmission electron microscope passes through the specimen to generate an image, jo ki electron beam sample ke aar paar ja ke image formation karta hai, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसके नाम में लिखा है स्कैनिंग, दैट इज इट जस्ट स्कैन द सरफेस ऑफ द सैंपल और उससे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको डिटेक्टर सेंस करके इमेज फॉर्म करता है। इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके ऊपर आप लोग अगर चाहते हैं तो और एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा। काइंडली प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अगर इस तीनों के ऊपर अगर एक डिटेल्ड डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री माइक्रोस्कोप अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। सो एज यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि मैंने पहले स्लाइड में बताया था, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कैन्स द सर्फेस ऑफ द सैंपल, जो कि सर्फेस को स्कैन कर सकता है सैंपल के, और उसके बाद वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको डिटेक्टर सेंस करके उसका एक इमेज बनाता है सैंपल का। जबकि इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पासेस थ्रू द सैंपल, जो कि आर पार चला जाता है सैंपल के वो इलेक्ट्रॉन बीम, एंड उसके बाद इमेज फॉर्मेशन होता है जो ट्रांसमिट होता है, जो कि अपर सरफेस को स्कैन नहीं करता जैसे कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पूरा आर पार चला जाता है इलेक्ट्रॉन बीम एंड उसके बाद एक इमेज फॉर्मेशन होता है उसमें। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपोनेंट्स जब भी हम बोलते हैं तो फर्स्ट चीज़ हमारे दिमाग में ये आता है कि इलेक्ट्रॉन जेनरेट कहाँ से होता है। सो द इलेक्ट्रॉन दैट जेनरेट्स इनसाइड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज जनरली जेनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन गन। टंगस्टन इज नॉर्मली यूज्ड इन थर्मोआयोनिक इलेक्ट्रॉन गन्स because it has a highest melting point and lowest vapor pressure of all metals, thereby allowing it to be heated for electron emission, and because of its low cost the electron emits at a voltage between 1 to 40 kilovolt. Now ye jo electron gun hota hai, there are three types of electron gun that are generally in use in scanning electron microscope. The first electron gun that is tungsten electron filament. It is a filament with a V-shaped tungsten wire of 100 micrometer long. The filament is most commonly used. ये filament सबसे commonly used किया गया filament है scanning electron microscope में। दूसरा जो आता है, the second filament is solid state crystal, cerium hexaboride or lanthanum hexaboride. This is a thermoionic emission gun. इसका जो मेन एडवांटेज ये होता है कि इट प्रोवाइड्स ए हाई ब्राइटनेस सोर्स। द फिलामेंट ऑफर्स अबाउट 5 to 10 टाइम्स द ब्राइटनेस एंड लॉन्गर लाइफ टाइम व्हेन कंपेयर्ड टू द टंगस्टन।
इट ऑल्सो हैज़ ए डिसएडवांटेज। इस सॉलिड स्टेट क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन गन का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इट रिक्वायर्स ए हायर वैक्यूम इनसाइड द बॉडी ट्यूब ऑफ द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये हाई वैक्यूम के अंदर ही अच्छे से काम करता है, अगर हाई वैक्यूम नहीं होगा तो ये इतना अच्छा ब्राइट इमेज फॉर्मेशन नहीं कर पाता। थर्ड इलेक्ट्रॉन गन जो कि फील्ड एमिशन गन FEG है, इट इज़ ए टंगस्टन वायर हैविंग ए वेरी शार्प टिप। इसका ऐसे जैसे आप इस इमेज में देख ही सकते हैं कि इट हैज़ ए वेरी शार्प टिप दैट एनेबल्स इट टू एमिट द इलेक्ट्रॉन इन ए इम्प्रूव्ड वे। जो एमिशन होता है इस शार्प टिप से वो बहुत ही इम्प्रूव्ड एमिशन होता है, बिकॉज वो टू द पॉइंट होता है, इतना शार्प होता है कि वो जस्ट जो सरफेस पे टच मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा उसी सरफेस पे जाके हिट करेगा। इसका जो एमिशन रेट होता है वो बहुत इम्प्रूव्ड होता है, जिसके कारण से इसका फोकसिंग एबिलिटी भी बहुत इम्प्रूव हो जाता है। और अगर ये एमिशन एंड फोकसिंग एबिलिटी दोनों ही अच्छे हैं, दैट मीन्स द इमेज दैट विल जनरेट आफ्टर द स्कैनिंग ऑफ द सैम्पल वो भी बहुत ही हाई रिजोल्यूशन इमेज होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस, जैसे कि पहले भी बताया था कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग ग्लास लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं टू डिफ्लेक्ट और डिफ्रैक्ट द लाइट टूवर्ड्स द सैम्पल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को बैंड करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं, सो दैट इट डायरेक्टली हिट द सैम्पल। देयर आर टू मेन लेंसेज यूज्ड इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कॉन्डेंसर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। मेन रोल ऑफ कॉन्डेंसर लेंस इज टू कंट्रोल द साइज ऑफ द बीम, इट कॉन्डेंस द बीम। कॉन्डेंसर लेंस क्या करता है, इस जो बीम होता है वो बहुत ही वाइड स्प्रेड होता है, तो कॉन्डेंसर लेंस इसको कॉन्डेंस करके नैरो कर देता है, जिससे कि वो मतलब पूरा सरफेस मतलब ज़्यादा फैले ना, उसको नैरो करके जस्ट टू द पॉइंट सैंपल के ऊपर हिट करवाने के लिए कॉन्डेंसर लेंस यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस फोकसेस इलेक्ट्रॉन ऑन टू द सैंपल एट द वर्किंग डिस्टेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इसको और नैरो करता है, जब कॉन्डेंसर लेंस इसको नैरो करके ऑब्जेक्टिव लेंस तक लाता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, इसको और नैरो करता है करके टू एन वर्किंग डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन करके इसको स्टक किया जाता है सैंपल के ऊपर, सो दैट द इमेज कैन बी फॉर्म्ड। स्कैनिंग कॉयल और डिफ्लेक्शन कॉयल, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक स्कैनिंग कॉयल और डिफ्लेक्शन कॉयल को बोल के एक आता है। द स्कैनिंग कॉयल्स आर एबल टू मूव द बीम प्रिसाइसली बैक एंड फोर्थ ओवर ए डिफाइंड सेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्कैनिंग कॉयल और डिफ्लेक्शन कॉयल आर सिचुएटेड अबव द ऑब्जेक्टिव लेंस इन ए सैम कॉलम। जो स्कैनिंग कॉयल और डिफ्लेक्शन कॉयल होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर सिचुएट होता है, दैट इज कॉन्डेंसर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में होता है। और ये क्या करता है, ये मूव करता है बीम को प्रिसाइसली बैक एंड फोर्थ, जिससे कि वो जो हम लोगों का टारगेट सेक्शन होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जो सैंपल होता है उसका जो टारगेट सेक्शन होता है कि उसी को ही हमको स्कैन करना है, तो ये उसमें मदद करता है। इट जस्ट डिफ्लेक्ट बैक एंड फोर्थ द बीम दैट आर बीइंग पास थ्रू द कॉन्डेंसर, जैसे कि कॉन्डेंसर पहले था, उसके बाद स्कैनिंग कॉयल आता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव आता है, तो ये डिफ्लेक्ट बैक करता है कि पार्टिकुलर कहाँ पे कौन से लोकेशन में इस बीम को मुझे फोकस करके हिट करवाना है। सो इट डिफ्लेक्ट टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ, उसके बाद इसको ऑब्जेक्टिव लेंस में पास करता है, जब ऑब्जेक्टिव लेंस इसको रिसीव करता है तो इसको और नैरो बैक करता है, उसके बाद उसको डायरेक्टली उसी सेक्शन पे हिट करवाता है। नेक्स्ट आप जो इमेज देख रहे हैं वो BAC इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिटेक्टर, ये जो BAC होता है ये होता है बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में हम लोग आगे के दो स्लाइड्स में पढ़ेंगे। बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को हीट किया जाता है सैंपल के ऊपर, सो एक आता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, एक आता है सेकेंडरी। हम जब इलेक्ट्रॉन को हीट करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। तो जब सैंपल के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन हीट होता है तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कुछ डिफ्लेक्ट बैक हो जाता है,
और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सैंपल के सरफेस से जो इजेक्ट किया हुआ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नोट इट डाउन वेरी केयरफुली, व्हेन वी फोकस ए बीम और व्हेन वी स्ट्रक ए बीम ओवर एन सैंपल, वो जो प्राइमरी बीम होता है उसमें से कुछ बीम डिफ्लेक्ट हो जाता है सैंपल को स्ट्रक करने के बाद, उसको हम लोग बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम बोलते हैं, जो कि एक दूसरा डिटेक्टर होता है बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर बोल के, जो कि उस प्राइमरी बीम जो डिफ्लेक्ट बैक होता है उसको रिसीव करता है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो स्ट्रक होता है सैंपल के ऊपर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर कैच करता है, बट बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर प्राइमरी जो हम लोग बीम छोड़ते हैं उसके बाद सब बीम जाके स्ट्रक नहीं होता सैंपल में, कुछ बीम स्ट्रक होता है, कुछ बीम स्ट्रक होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाता तो वो डिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, तो वो उसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर वो प्राइमरी जो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होता है उसको पकड़ लेता है। ऑन द अदर हैंड जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है वो जो सैंपल को हीट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसी को ही डिटेक्ट करता है। सो एज यू कैन सी, अगर हमने दोनों डिटेक्टर को कंबाइन करके एक इमेज फॉर्मेशन किया तो वो इमेज कितना अच्छा ब्राइट आता है कंपेयर टू ओनली अ सेकेंड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। सो एज यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द बैक स्कैटर्ड डिटेक्टर एंड द सेकेंडरी डिटेक्टर, दोनों को कंबाइन करने के बाद जो इमेज फॉर्मेशन होता है, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर में व्हाइटिश कलर का जो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होकर जाता है उसके बाद एक व्हाइटिश कलर का इमेज बनता है, ब्राइट इमेज। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट बाय द डिटेक्टर, उसमें एक विविड कलर का ग्रेइश कलर थोड़ा कॉन्ट्रास्ट होता है, डिफ्रेंशिएट जा सकता है, लुक्स नाइस द इमेज। सो इन दोनों का अगर कंबाइन करके आज के जो मॉडर्न हम लोग सैम देखते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें दोनों का इमेज कंबाइन करके थ्रू द जो होता है एल्गोरिथम वो दोनों इमेज को कन्वर्ट करके एक अच्छा सा प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द बैक स्कैटर और द एंड द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो बैक स्कैटर इज नथिंग बट द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो कि स्ट्रक बैक होता है, जो कि सैंपल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको इजेक्ट करने में कामयाब नहीं होता और वो ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्ट हो जाता है। सो वो जो डिफ्लेक्ट होता है उसको बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को एक डिटेक्टर बैक स्कैटर्ड डिटेक्टर बोल के आता है, वो इसको पिक करता है। सो लेट्स सी, इन सैम देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम एंड आर रिफ्लेक्टेड बैक आफ्टर इलास्टिक इंटरेक्शन बिटवीन द बीम एंड द सैंपल। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन आर इन इलास्टिक इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एटम ऑफ द सैंपल, दे आर देन रिफ्लेक्टेड बाई द डिटेक्टर एंड एन इमेज इज फॉर्म। सो जैसे कि मैंने बताया था बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन इलास्टिक इंटरेक्शन होता है, कि मतलब वो जैसे ही स्ट्रक करता है सैंपल के ऊपर वो अनेबल होता है कि वो जो सैंपल है उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट करवा पाए। सो ये क्या होता है, ये डायरेक्टली डिफ्लेक्ट बैक करता है, कहाँ पे, बैक स्कैटर्ड डिटेक्टर पे। और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन ये होता है कि जब ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक करता है इसके स्ट्रक होने के बाद एक इन इलास्टिक इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट करता है जो कि सैंपल के एटॉम से निकलता है, जो कि मतलब स्ट्रक होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होता है वो सैंपल का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है एंड दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ए सेकेंडरी डिटेक्टर। सो बैक स्कैटर डिटेक्टर एंड सेकेंडरी डिटेक्टर दो डिटेक्टर्स होते हैं इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बैक स्कैटर डिटेक्टर उस इलेक्ट्रॉन बीम को डिटेक्ट करता है जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्टली डिफ्लेक्ट होता है विदाउट एबल टू इजेक्ट एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सैंपल। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन में ये होता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो कैच करता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को, जो वो सैंपल का जो एटम होता है वो इजेक्ट होता है बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन बीम, उसी को ही ये कैप्चर करता है सेकेंडरी डिटेक्टर। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी डिटेक्टर। जैसे कि मैंने पहले स्लाइड्स में आपको बताया था, देयर आर टू डिटेक्टर इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वन इज बैक स्कैटर डिटेक्टर, अनदर इज सेकेंडरी डिटेक्टर। बैक स्कैटर डिटेक्टर का काम यही होता है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक टू द सैंपल हिट
into the sample. जब सैंपल से कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाता वो इलेक्ट्रॉन, और इलास्टिसिटी जो होता है इलास्टिसिटी के लिए वो डिफ्रैक्ट बैक करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, वहाँ से कोई सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता सैंपल से, तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होता है उसको कैप्चर करने के लिए एक बैकस्कैटर इलेक्ट्रॉन रहता है, बैकस्कैटर डिटेक्टर रहता है उसमें। सेकेंडरी डिटेक्टर का काम ये होता है जब जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक करता है उससे जो एटम निकलता है, जो सैंपल होता है जिसका सरफेस स्कैन होता है उससे एक एटम निकलता है जिसको सेकेंडरी डिटेक्टर कैप्चर करता है और उसको मल्टीप्लाई करके इमेज में फॉर्म करता है। यही हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी डिटेक्टर के बारे में। द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर कॉन्टेन्स ए स्किंटिलेटर कोटेड विथ फाइन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम दैट एमिट्स लाइट व्हेन स्ट्रक बाय सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। ये सेकेंडरी डिटेक्टर एक स्किंटिलेटर होता है जो कि कोटेड होता है एल्यूमिनियम से, जब भी एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन उसको स्ट्रक करता है तो एक लाइट फॉर्म एमिट होता है, जो कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जब भी स्ट्रक करता है तो एक लाइट फॉर्मेशन होता है उस स्किंटिलेटर के अंदर। नाउ द लाइट इज देन पास टू ए फोटो मल्टीप्लायर दैट कन्वर्ट्स द लाइट टू ए इलेक्ट्रॉन सिग्नल प्रोवाइडिंग द एम्पलीफिकेशन टू मैनिफोल्ड। अब जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्रक करता है सैंपल के ऊपर, वहाँ से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होता तो वो प्राइमरी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डिफ्रैक्ट बैक करता है और वो बैकस्कैटर डिटेक्टर से डिटेक्ट होता है। अब अगर सैंपल के ऊपर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो वो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको सेकेंडरी डिटेक्टर कैप्चर करता है विद द हेल्प ऑफ ए स्किंटिलेटर कोटेड विद फाइन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। अब जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ये जो डिटेक्टर के अंदर जाएगा तो वो जो फाइन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम है उसको स्ट्रक करेगा जिससे कि एक लाइट फॉर्मेशन होगा। द लाइट इज देन पास टू ए फोटो मल्टीप्लायर, ये जो लाइट फॉर्म होता है उसको एक फोटो मल्टीप्लायर के थ्रू पास किया जाता है जो कन्वर्ट कर लेता है लाइट को इलेक्ट्रॉन सिग्नल में प्रोवाइडिंग द एम्पलीफिकेशन टू मैनी फोल्ड। इसका जो डायग्राम है आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई देगा, तब आपको पूरा कंप्लीट समझ आएगा कि ये कैसे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को मेनी फोल्ड्स में कन्वर्ट कर देता है। ए फैराडे केज, रिमेंबर ए फैराडे केज मेटल बॉक्स विद ग्रिड मैश कवर्ड द स्किंटिलेटर एंड हेल्ड एट लो वोल्टेज देन द स्पेसिमेन दैट अट्रैक्ट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सर्फिस ऑफ द स्पेसिमेन। जो सेकेंडरी डिटेक्टर होता है वो एक फैराडे केज के वो फैराडे केज से कवर होता है और जो सेकेंडरी डिटेक्टर का जो वोल्टेज होता है उसको लो रखा जाता है सैंपल के वोल्टेज से। सैंपल का वोल्टेज हाई रहता है और सेकेंडरी डिटेक्टर का वोल्टेज लो रहता है जिससे कि वो मैक्सिमम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो सैंपल के से इजेक्ट होगा उसको वो अट्रैक्ट कर पाए, क्योंकि हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हमेशा लो वोल्टेज की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट कर पाए इसीलिए एक फैराडे केज के मैश के सराउंड करके रखा जाता है ये सेकेंडरी डिटेक्टर को और उसको हमेशा लो वोल्टेज में रखा जाता है। सो व्हाट वी हैव लर्न हियर इज सेकेंडरी डिटेक्टर जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है सैंपल से उसको ये अपने अंदर लेता है और जो एल्यूमिनियम कोटेड स्किंटिलेटर होता है उसमें हीट होता है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जिससे कि एक लाइट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। वो लाइट देन पास थ्रू ए फोटोन मल्टीप्लायर दैट कन्वर्ट्स द लाइट टू इलेक्ट्रॉन सिग्नल प्रोवाइडिंग द एम्पलीफिकेशन टू मैनी फोल्ड। वो एम्पलीफिकेशन वो एक सिंगल लाइट को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन सिग्नल में एम्पलीफाई करके। ए फैराडे केज कवर्स द स्किंटिलेटर जो कि स्किंटिलेटर को लो वोल्टेज पे रखता है, जो सेकेंडरी डिटेक्टर को लो वोल्टेज पे रखता है जिससे कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उस स्किंटिलेटर के अंदर जा पाए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इमेज है ये एक टिपिकल स्किंटिलेटर का इमेज है, हालांकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ अलग तरीके के होते हैं जो कि एल्यूमिनियम कोटेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक रेडिएशन, आप समझ लो ये रेडिएशन एक वन इलेक्ट्रॉन होता है जो कि जाके ये जो येलो पोर्शन है आप देख रहे हो ये येलो पोर्शन में जाके स्ट्रक होता है जो एल्यूमिनियम कोटेड होता है। इससे क्या होता है, एक लाइट प्रोडक्शन होता है। ये लाइट फिर फोटो कैथोड पे जाता है, जो फोटो कैथोड इज नथिंग बट दिस ट्यूब इज कॉल्ड फोटो मल्टीप्लायर। जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ये फोटो मल्टीप्लायर होता है, जो कि हमने पहले भी बताया था एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जब
इंसर्ट होता है तो वो एल्यूमिनियम कोटेड जो स्किंटिलेटर है उसमें स्टक करता है। फिर वो स्किंटिलेटर से एक लाइट इमर्ज होता है, वो लाइट फोटो कैथोड में जाता है जिससे वो लाइट को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जब हीट होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन हीट होता है एनोड में, ये एनोड से दो इलेक्ट्रॉन होके हीट होता है दूसरे एनोड में, फिर चार इलेक्ट्रॉन, फिर डबल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे करके ये डबल होते होते, इसीलिए इसको फोटो मल्टीप्लायर बोलते हैं कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को ये मल्टीप्लाई करता है टू ए मैनी फोल्ड्स। उसके बाद ये मेजरिंग डिवाइस, या तो जो हमारा इलेक्ट्रो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मामले में जो डिवाइस होता है जो कैप्चर करता है, उसके बाद उसी इलेक्ट्रॉन को वो एल्गोरिथमिकली रिफाइन करके इमेज में फॉर्म करता है। सो ये काम होता है आपका सेकेंडरी डिटेक्टर का, जो कि एक स्किंटिलेटर फिट होता है उसमें। लेट्स टॉक अबाउट द वेकम सिस्टम। ए वेकम सिस्टम मिनिमाइज द स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम बिफोर रीचिंग टू द स्पेसिमेन। मैंने जैसे बोला था कि इलेक्ट्रॉन इज हाईली अनस्टेबल रहते हैं, तो उसको वेकम में अगर हम लोग पास करेंगे तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड नहीं करेगा, वो पार्टिकुलरली हम जो इंटरेस्ट ऑफ द एरिया होता है, जो सैंपल के ऊपर जो एरिया पे हमें हीट करना होता है उसी के ऊपर ही जाके हीट करेगा। विदाउट ए वेकम इलेक्ट्रॉन बीइंग एम्ड एट ए सैंपल वुड बी डिफ्लेक्टेड नॉक ऑफ व्हेन दे हीट एयर पार्टिकल्स और रिएक्ट विद द मेटल ऑफ द मशीन। जैसे कि मैंने बताया था, वो जो वेकम ट्यूब होता है, अगर उसके अंदर वेकम नहीं होगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल जो सरफेस होता है उसमें जाके हीट करेगा, उसमें जाके रिएक्ट करेगा, या तो जो अंदर एयर पार्टिकल होगा, मॉइस्चर होगा, उससे उसके साथ रिएक्ट करेगा, जिससे कि हमें ब्लर इमेज आएगा या तो कोई इमेज फॉर्म होगा ही नहीं। सो सैम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अगर वेकअप में रखना होता है तो इसके लिए दो मोटर यूज होता है, एक होता है रोटरी पंप, दूसरा होता है डिफ्यूजन पंप, नोट इट डाउन, और एक तीसरा पंप आता है जो कि टर्बो और आयन और क्रायो पंप बोल के आता है। सो ज़्यादातर रोटरी पंप और डिफ्यूजन पंप में हो जाता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा वेकम चाहिए, जैसे कि अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉलिड स्टेट क्रिस्टल जो इलेक्ट्रॉन गन होता है जो मैंने पहले डिस्कस किया था, उसके 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 लिए हमें ज़्यादा वेकम चाहिए होता है, तो उस टाइम हम लोग टर्बो आयन और क्रायो पंप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, आजकल के ज़्यादातर सैम में तीनों ही पंप आते हैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम। सो रोटरी पंप का वर्क ये होता है, रोटरी पंप्स आर द फर्स्ट इन द सीरीज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रफिंग पंप, मतलब ये रफली जितना भी एयर होता है उसको सक आउट कर लेता है, एज दे आर यूज टू इनिशियली लोअर द प्रेशर विद इन द कॉलम थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन मस्ट ट्रेवल टू 10 to 3 mm ऑफ Hg रेंज। डिफ्यूजन पंप में अचीव हायर वेकम, जैसे मैंने बोला था रफ पंप, रोटरी पंप जो होता है वो रफिंग पंप होता है कि वो पहले रफली जितना हो सके उतना लोअर कर देगा इन एयर प्रेशर को, वेकम कर देगा, उसके बाद डिफ्यूजन पंप काम आता है जो कि हायर वेकम अचीव करने में हेल्प करता है, जो कि 10 to 5 mm Hg रेंज में आता है। रोटरी पंप 10 to 3 mm Hg रेंज में हेल्प करता है लाने में मशीन को, उसके बाद डिफ्यूजन पंप चालू होता है जो कि 10 to 5 mm Hg रेंज, बट मस्ट बी बैक्ड अप बाई रोटरी पंप। दोनों पंप एक दूसरे को बैकअप करते हैं, क्योंकि एक पंप के द्वारा जो हमारा जितना भी वेकम होता है, जो टारगेट वेकम होता है वो अचीव नहीं होता, सो हम हमेशा दो पंप यूज़ करते हैं टू अचीव द मैक्सिमम वेकम इनसाइड द ट्यूब। जितना वेकम होगा, जितना एयर पार्टिकल निकल जाएगा, उससे इमेज क्लियरिटी ज़्यादा अच्छा से आएगा, इलेक्ट्रॉन किसी और सरफेस में जाके रिएक्ट नहीं करेगा, डायरेक्टली सैंपल को ही जाके हीट करेगा। इन एडिशन ए टर्बो आयन और क्रायो पंप व्हेन एन इवन ग्रेटर वेकम इज रिक्वायर्ड, जब इससे भी ज़्यादा वेकम हमें चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे मैंने बताया था सॉलिड स्टेट क्रिस्टल अगर कैथो इलेक्ट्रॉन गन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके टाइम में ज़्यादा वेकम चाहिए होता है, तो हम ज़्यादातर टर्बो आयन और क्रायो पंप यूज़ कर लेते हैं ज़्यादा वेकम अचीव करने के लिए। सो यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे की तरफ RP एंड DP लिखा हुआ है, जो कि रोटरी पंप, रफिंग पंप जो हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं, और डिफ्यूजन पंप होता है। साइड में देखिए और एक पंप है IP बोल के, जो कि आयन पंप और क्रायो पंप बोलते हैं हम लोग। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का दूसरा पार्ट का वीडियो अभी
जल्दी आ जाएगा, जिसमें हम लोग हाउ टू प्रिपेयर ए सैम्पल प्रिपरेशन हम लोग बताएंगे। उसमें आप कैसे सैंपल गोल्ड कोटेड कर सकते हो, या तो अगर सेल होगा तो उसको कैसे डिहाइड्रेट कर सकते हो। अगर सिल्वर नैनो पार्टिकल के ऊपर, बहुत सारे एमएससी स्टूडेंट अपना डिसर्टेशन सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के ऊपर भी करते हैं, तो उसको कैसे बिना कोटिंग के साथ ही आप देख सकते हो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ये सारे डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री PDF।